दिलशाद साहिबा हकीम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है महाराष्ट्र से, उनका रुख कर लेते हैं। जी दिलशाद साहिबा बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बताएं क्या परेशानी है आपको? कैसे हो आप? बहुत दिन से वेट कर रही हूँ आपसे बात करने। जी मैं बहुत अच्छा हूँ दिलशाद साहिबा, बताइए क्या खिदमत की जाए आपकी। तो मैंने ना आपको पहले भी बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ, आपके नुस्खे भी आजमाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत असर भी हुआ। और मुझे ट्यूबरक्लोसिस के दौरान मुझे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दवा भी ली और आपका नुस्खा भी आजमाया मैंने, तो प्रॉब्लम चली गई थी। तो डॉक्टर ने एक महीने तक विदाउट टैबलेट्स रखे थे मुझे, तो मैंने आपका नुस्खा ली, टैबलेट नहीं ली, उन्होंने टैबलेट लेने मना किए। फिर एक महीने के बाद चेक करने बोले थे, तो मैंने कुछ थोड़ा दिन ज्यादा हो गया, 3 महीने बाद चेक की तो माशाल्लाह नॉर्मल आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे वही पूछना था, मैं आपका नुस्खा कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? और मुझे ना हेयर फॉल वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, वाइट भी हो रहा है, और कुछ स्किन वगैरह ग्लो करे, क्योंकि अल्लाह के करम से मतलब शादी तय हो गई है, 6-7 महीने के बाद शादी है, और दुआओं की दरख्वास्त भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब खुशियाँ अल्लाह ताला आपको एक साथ दे रहा है, और आपको थायराइड में भी फ़ायदा कर दिया, चिन भी आपके ग्लो होने लगे, रिश्ता भी अल्लाह ने अच्छा कर दिया, अल्लाह करे आपके लिए बेहतर हो। और 2 नफिल पढ़ के ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए, मुमकिन हो तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। दूसरा कोई सवाल हो तो आप बताइए, ताकि बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है, पीछे बहुत वेटिंग होती है, सबसे बात नहीं कर पाता हूँ तो सबको शिकायत होती है। कोई और सवाल तो नहीं आपका? अच्छा देखिए, पहले मैं इनका नुस्खा बता दूं ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। देखिए थायराइड के लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ और वो बहुत कामयाब है, जैसे इस बच्ची को फ़ायदा हुआ ऐसे सब थायराइड के मरीज ठीक हो सकते हैं। और वो नुस्खा यह है, आंवला, मेथी और धनिया 200-200 ग्राम लें, और इसमें 150 ग्राम मोरिंगा का गौंद डाल दे। मोरिंगा का गौंद बहुत नकली मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, नकली तो बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन इन सब का पाउडर बनाए, मोरिंगा का गौंद इसमें मिला दे 150 ग्राम, बाकी चीज़ें 200-200 ग्राम, यानी आंवला, मेथी, आंवला सूखा मिलता है, मेथी दाना, और धनिया जो आपके घर में किचन में धनिया दाना है इसको खूब बारीक पाउडर बनाए, और 1-1 चम्मच सुबह और शाम निहार मुँह और रात को सोते वक्त गर्म पानी से खाने वालों का थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाता है, ऐसा मेरा तजुर्बा है।